चीज़ पाकिस्तानी मैनू बहुत ही दिलचस्पी सी, वो मैं कट्ठी भी करती सीखना, ऐसी वजह करके मैं सीखा भी पाकिस्तानी कलाम, अपना कलाम, रक्स भी सीखा अपना रक्स, तो अपना करके मेरा मुल्क, ऐ मेरा मुल्क, ऐ मेरी चीज़ा। जिस वे गाना सीखने के मैं बहुत बड़ा फायदा आया होया कि मेरी जबाना जड़िया ने ना, जी उर्दू है या भाषा हिंदी भाषा है या पंजाबी हैगी है, जी भी जबान हैगी होर रिफाइन साफ होंगी गई। हरसुख का मतलब बहुत अच्छा सी, हर का मतलब है ऑल एवरी वन एंड द डिवाइन, हर का मतलब है हरिदेन को हरिदे हर 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 यानी कि द डिवाइन, और सुख सुख तो सारे पता है सुख मिलना चाहिए थे। तो इस वास्ते ऐसा नाम मैंने बड़ा अच्छा लगे, मैं क्या ठीक हरसुख, वो फिर हरसुख ऐसा नाम पै गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके इतने स्कूल भी खुल गया, क्योंकि मेरे जिस वेले असी शिफ्ट किए थे इतने जो मेरे काम करने वाले ने उन्होंने चार पाँच बच्चे सन, कोई स्कूल तो नेड़े हैगा नहीं सी, मैं क्या इतने वास्ते एजुकेशन चाहिए मैं आने, दो चार लोगों ने आना होम स्कूलिंग असी शुरू कर दी थी, आई वॉज नॉट सैटिस्फाइड, मैं क्या इतने तो स्कूल जोड़ा ना सही हुए, जो बच्चे आन तो उन्होंने पाँच दिन छः दिन हफ्ते में होना चाहिए स्कूल ताकि इन्हों की सही एजुकेशन हो गई। वो फिर की होया कि वो फिर मैंने एक टीचर लग गए, उन्होंने आई उन्होंने शुरू कर दी क्लास, दो टीचर लगियां उन्होंने क्लास शुरू कर दी है पाँच छः बच्चों के नाल, बाद पैंती हो गए, वेखते वेखते आले दुआले के फार्मा के भी आ गए बच्चे, उन्होंने काम करने वाले दे बच्चे आ गए, फिर इस पिंड तो भी आ गए उस पिंड तो भी आ गए। सुख मिलेगा जब हर को सुख मिलेगा, उस दिन का भी जम होएंगे, उस दिन का भी जम होएंगे, इस दिल को करेंगे इतना बड़ा, इस दिल को करेंगे इतना बड़ा के सब बना हर सुख मैनू ए हुआ कि मेरी जेडे घर होंगे ना
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਿਲ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੌਂਕਰੀਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੋ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਾ